रहा है, थक गए भाई सीढ़ियों से। तो सारे समंदर की जो है चीज़ें जो है एक्सप्लेन की गई है, क्रिएचर्स समंदर के, शार्क, और वो ये कौन सी फिश है, बाप रे कितनी डेंजर लग रही है। बच्चों के लिए सही जगह है, हर चीज के बारे में लिखा हुआ है। देखे भाई शेर, कछुआ, टर्टल और सारे पानी के अंदर की चीजें हैं जो यहाँ पर लिखा तो हुआ है, ट्रांसलेट कर ले आप और भी आगे जाएं। टोइटा टोटिया सी स्पेलिंग बड़े अलग से हैं, मैंने तो भाई ये अंदर होता है पानी के, वो देखा है मूवी वगैरह में, रियल में अभी देख रहा हूँ पहली बार, VFX में देखा है सारा ये चीज़ें, अवतार वगैरह में तो पहली बार भाई ये रियल देख रहा हूँ, शायद रियल है या फिर रियल ही होगा भाई म्यूजियम। यूनिक सी चीज़ है भाई ये तो, पहली बार देख रहा हूँ मैं, देखे ये भाई म्यूजियम बहुत बड़ा म्यूजियम है, ये फिश भी भाई मूवी में देखी है मैंने ये कांटे वाली फिश, इसका नाम तो है कुछ, बाकी इंग्लिश में कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर। ये भाई बहुत डरावना लग रहा है, देखे भाई ये बहुत डरावनी से, बाप रे ऐसे भी प्रजाति होगी ना भाई, आंखें देखें कैसी लाल लाल आइस है, सारे भाई डरावने जानवर है भाई, ये प्यारा सा लग रहा है सही है भाई म्यूजियम पूरा। एक एक के नाम लिखे हुए हैं, पढ़ सकते हैं भाई आप, बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं, बच्चों को लेके आए ये क्या है भाई, चिड़ाई जैसा, वो उसके जैसा लग रहा है, स्टार वॉर्स में एलियन आते हुए है तो लिखा हुआ है क्या भाई, कुछ अलग लग रहा है ये तो, एलियन एलियन शायद पकड़ लिया इन लोगों ने बाप रे सब फेस देखे भाई, बहुत लंबा चौड़ा म्यूजियम है भाई। ये क्या है, ये भाई कुछ गिटार जैसा है, पानी की चीज है, गिटार नहीं है वैसे, ये भाई देखे कितनी अलग अलग चीजें हैं, दुनिया में कितनी अलग अलग चीजें हैं भाई, भी शायद ऊपर है, उधर भी है, बहुत लंबा म्यूजियम है,
ये सारी लिखावट, ये देखे तस्वीर कुछ और बढ़िया सी लग रही है। मतलब क्या है, एक शख्स जो है घोड़े पे बैठे हुए हैं और ऊपर से कोई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी सी सब मिक्स कर दी है। मतलब कोई देखे, ये महिला जो है गाय को पानी पिला रही है, वो दूध निकाल रहे हैं, ये पीछे लेके खड़े हैं मटका जो बोलते हैं, क्या है पेंटिंग्स, कुछ यूनिक सी पेंटिंग्स। ये देखें यहाँ पर लिखा तो हुआ है, ये भाई क्या है भाई, ये मतलब देखें यहाँ पर, ये समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी सी है अलग सी पेंटिंग्स है। ये कुछ पेंटिंग्स, क्या सही कलर क्या है, लगता नहीं है कि पेंटिंग हो। ये भाई पहले आप पढ़ लें तो तीन, और देखें अब पेंटिंग क्या सही पेंटिंग बनाई है। मतलब दो हाथ है, एक जाली में पकड़ा हुआ है, एक जाली से बाहर हाथ आ रहा है, ये भी देखे कोई जो है पहाड़ों से होता हुआ आ रहा है। बहुत बड़ा म्यूजियम है भाई, ये यहाँ की मदीना की तस्वीर है, मस्जिदुल नबी 2008 अभी की ही है, मतलब बहुत पुरानी नहीं, ये 2010 ये भी मतलब अभी की है, 2005 इमाम रजा, 2004 और 1966, जूम कर लेता हूँ, मैं साल ही पढ़ रहा हूँ, नाम भी पढ़ रहा हूँ, और 1957, वाओ, मतलब खो जाएंगे, इतनी पेंटिंग्स है। देखे क्या है, एक बढ़िया सा पौधा है पीछे भाई, सूरज निकला हुआ है या डूब रहा है, मतलब शायद मुझे लग रहा है डूब रहा है। और भाई जगह देखे, पहाड़ है, मतलब किसी ने इस जगह पर जो है बैठकर ही बकायदा जो है तस्वीर बनाई है। ये भाई पेंटिंग किसने बनाई है, सनसेट का, ये मैं सोच, मैंने कहा कि सन, मैंने पढ़ा नहीं, मैं सीधा पेंटिंग्स देखने लगा साल पढ़ के। मोहसिन सोहेली ने जो है पेंटिंग बनाई है, ऑयल पेंट, और कब बनाई है, 1957 में। ये भी देखे भाई किसने बनाई है, कमाल अल मौलिक मुल्क, 1875, ये भी भाई 1875 उन्हीं ने बनाई है जिन्होंने यहाँ ये नाम का लिखा है यहाँ पर। ये भाई सही पेंटिंग बनाई है, देखे अंग्रेज के दौर की है, मतलब बोर्ड से बैठकर जा रहे हैं, और आज़ादी के टाइम की है, यहाँ पर इनके फ्लैग लगे हुए हैं, और सही पेंटिंग है भाई। यहाँ पर चुकी झोपड़ी, मतलब पहले, ये भी सही है भाई, ये भी उन्हीं ने बनाई है भाई, इन्होंने तीन चार भाई सब जो है इन्हीं ने बनाई है, अलग अलग साल में बड़े पेंटर है शायद ये यहाँ के। अभी तो भाई क्या ज़माना आ गया है, ऐसे ही मोबाइल से फ़ोटो खींच लेते हैं,
पहले भाई घंटों भर बैठ के ये पेंटिंगें तैयार की जाती थी 1975। अभी कोई नए शख्स है, ये कुछ क्या है भाई, पूरा बहुत सी मतलब चीज़ें एक पेंटिंग में बहुत सी डिटेल्स हैं अगर आप देखें तो। मतलब कोई शख्स है आ रहे हैं और गुलाम क्या है भाई, पूरा बहुत सी डिटेल है। ये कुछ बैटल ऑफ ओ भाई, बैटल ऑफ करबला, ये पेंटिंग जो है बैटल ऑफ करबला को मतलब दर्शाई गई है, ऑयल पेंटिंग 10 मुहर्रम को, मतलब किस तरह से हुआ था सब। तो देखे भाई पूरा मतलब कैसे इमाम हुसैन को मतलब सब साथ उनके साथ वो हुआ था सारा, मतलब सबके जो है सर मुबारक को जो है नेजे पर रख के ले गए थे, तो वो यहाँ पर पेंटिंग है। ये भाई पेंटिंग बड़ी ही मतलब बनाने वाले ने मतलब पूरा सोच समझ कर पूरा मतलब बनाई है। ये आपको बताऊंगा मौला अली अब्बास के जो है इतने सारे तीर लगे थे, बहुत डिटेल बयां करती है ये तस्वीरें। देखें पूरे घोड़े पे जी जो है तीर तीर लग गए थे, और वो पानी लेने गए थे और बाजू भी शहीद कर दिए थे, और भाई सबके मतलब छोटे छोटे बच्चों के साथ भी जो है मुस्लिम बिन अकील के जो बेटे थे मुस्लिम के साथ भी मतलब, और उनके सब मतलब सारा भाई हर चीज़ जो है बयां कर रही है ये एक तस्वीर पूरा करबला का। वो अभी आगे आए हम, ये भी पेंटिंग्स है, क्या खूबसूरत शहर है, कहाँ की है, ऑयल पेंट उम्बेरिटो लेवी ये इनका नाम है, इटली के हैं, वहीं की होगी शायद पेंटिंग। तो देखे भाई क्या खूबसूरत पेंटिंग बनाई है टोनी बॉडी नॉन। और भाई अभी देखे भाई अभी मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ थोड़ा, ये भाई बहुत सही पेंटिंग है, बाप रे देख के भाई रुक जाएं, इतनी पेंटिंग्स बहुत बढ़िया लगी मुझे यहाँ पर। मतलब थोड़ी देर के लिए आप रुक जाएंगे पेंटिंग्स देख के, देखे वाह। तो भाई इतनी खूबसूरत पेंटिंग है, बाप रे क्या मतलब देखें क्या खूबसूरत पेंटिंग है भाई, पेंटिंग भाई बहुत खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग है। म्यूजियम बहुत बड़ा म्यूजियम है भाई, ये भी देखें मतलब एक बार देख के रुक जाएंगे आप, इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स है। और अभी देखते हैं और भी ऊपर है भाई, चले ऊपर ही चलते हैं अभी, ऊपर क्या है, क्लॉक्स गैलरी, वेपन्स, पोर्सलन, बाप रे ऊपर भी बहुत सी चीज़ है। जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं ऊपर भी बहुत सी चीज़ें दिख रही है।